के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे धन लाभ के लिए गणेश पूजा के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज गणेश चतुर्थी की तिथि है और आज की इस विशेष तिथि में जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि भगवान गणेश को प्रसन्न करने का ये उपाय आपने आज कर लिया तो विश्वास मानिए ये उपाय आपको महीने भर, पूरे महीने भर आपको आर्थिक लाभ देगा। ये उपाय महीने में सिर्फ एक बार करना होता है या भगवान गणेश से संबंधित जो भी विशेष तिथियां होती हैं उन तिथियों में यदि आप इस उपाय को करते रहते हैं तो पूरे समय आपको जो है ये एक बार करने वाला उपाय है, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने तक ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। इसकी शुभ ऊर्जा जो है, इसका शुभत्व जो है वो आपके साथ हमेशा बना रहता है। किसी भी व्यक्ति के सांसारिक जीवन में कई लोग वैभव, ऐश्वर्य, सुख के वातावरण के बीच रहते हुए भी हमेशा अभाव का अनुभव करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ भी है, सारी चीजें हैं, सारी ऐश्वर्य की चीजें हैं, सारे सुख संसाधन हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई कमी है। यानी आत्मिक सुख जिसे कहते हैं, आत्मा से, मन से जो संतुष्टि आनी चाहिए वह संतुष्टि उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती। ऐसा मन व विचारों पर आलस्य के हावी होने के कारण ही होता है। जबकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि वैभव व अभाव दोनों ही स्थितियों में इंसान को बेहतर सोच से, सोच और काम से, उसके साथ साथ मेहनत का जज्बा जो है पैदा करके कायम रखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, क्योंकि गलत सोच जो है वह निराशा की गर्त में किसी भी व्यक्ति को ढकेल सकती है। इससे बोझिल मन आलस्य और रोग की वजह भी बन जाता है, जिसके कारण आपके पास जितनी भी लग्जरी की चीज़ें हों, सांसारिक सुख और उपभोग की चीज़ें हों, आप उसका लाभ और उसका सुख और उसका ऐश्वर्य आप प्राप्त नहीं कर पाते। चीज़ें रखी जरूर होंगी, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अपनी इन कमियों को पूरा करने के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, और अच्छी सोच ही नहीं बल्कि सही दिशा में आप प्रयास भी करें, आपके आगे बढ़ने की दिशा जो है वह भी सही हो, आपके प्रयास की जो दिशा है वह भी सही हो। शुभ या मंगल को चुन करके खुशहाल बनने की बात हो तो हिंदू धर्म परंपराओं में भगवान गणेश और महालक्ष्मी का स्मरण सबसे पहले और सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं वह किसी भी कार्य के आदि में, यानी सबसे पहले काम के समय में उनको ध्यान किया जाता है और उसके बाद ही आप किसी काम का श्री गणेश कर सकते हैं। श्री गणेश का ध्यान जहां बुद्धि व मन से, तो महालक्ष्मी हर प्रकार की दरिद्रता का नाश करके आपको धन से संपन्न बनाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भौतिक सुखों को पाने के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की उपासना में बहुत सारे छोटे छोटे से उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। कुछ विशेष मंत्रों का ध्यान और पूजा की कुछ विशेष विधियां भी बताई गई हैं। इन मंत्रों और पूजा के इन उपायों को बहुत शीघ्र फलदायी माने जाते हैं, इनका लाभ आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। विशेष तौर पर चतुर्थी तिथि व बुधवार के दिन अगर ये उपाय किए जाएं तो वह सुख, सौभाग्य और सफलता की कामना को हर प्रकार से पूरा करते हैं। भगवान श्री गणेश जी की भक्ति, शुभ भक्ति के लिए सबसे खास तौर पर या तो चतुर्थी की तिथि होनी चाहिए या फिर भगवान गणेश जी को समर्पित जो दिन है, बुधवार का दिन है, उनमें से, दो में से कोई भी एक अच्छा संयोग आप चुन सकते हैं और उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसमें भगवान गणेश का स्मरण व पूजा, धार्मिक दृष्टि से खुशहाल व मालामाल बनने की चाहत पूरी करने और जो आपके मार्ग में रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर करने का बहुत असरदार, बहुत प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे लें चतुर्थी की तिथि का लाभ या फिर बुधवार के दिन आपको किस प्रकार से इन उपायों को करना है, गणेश आराधना के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को समृद्धशाली और खुशहाल बना सकते हैं। आपको करना यह है कि प्रातःकाल उठ करके आप स्नान ध्यान कर लें और पीले वस्त्र धारण करें। देवालय में यानी घर के पूजा स्थान में या घर के आसपास जो भी गणेश मंदिर है वहां पर कुश के आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा में आप अपना मुख कर लें। अगर पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो पा रहा हो तो उत्तर दिशा में भी मुख किया जा सकता है और इस दिशा की तरफ मुख करके भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी है। सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी को कुमकुम मिले चावल की ढेरी पर और भगवान श्री गणेश को हल्दी मिले हुए पीले चावल की ढेरी पर आपको स्थापित करना है, उनको विराजित करना है।
दोनों देवी देवता को पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान श्री गणेश को चंदन, लाल पुष्प और वहीं मां लक्ष्मी को भी कुमकुम और लाल पुष्प के साथ आपको पूजन करना चाहिए तथा भोग में गुड़ और लड्डू का आपको भोग अर्पित करना है। मां लक्ष्मी को खास तौर पर आप अपने हाथों से बना करके या घर में किसी परिजन से बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ बनवा करके दूध और चावल से बनी हुई खीर का भोग आप लगाएं तो मां लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजा के बाद सुगंधित धूप व दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए और जो लक्ष्मी विनायक के मंत्र मैं आपको अब बताऊंगा उनसे आपको समृद्धि की कामना करते हुए उनका ध्यान करना है। इस मंत्र से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। दंता भये चक्रदरो दधानम कराग्र स्वर्ण घटम त्रिनेत्रम घृताब्जा लिंगित मणिपुत्रया लक्ष्मी गणेश कनकाभिमिडे। इस मंत्र से आपको उनका ध्यान करना है और इस मंत्र से ध्यान करने के बाद श्री गंग सौम्याय इसका आपको ध्यान करना है। ध्यान का मंत्र एक बार आप पुनः सुन लीजिए, फिर से मैं आपकी सुविधा के लिए उच्चारित कर देता हूं। दंता भये चक्र दरो दधानम कराग्र स्वर्ण घटम त्रिनेत्रम घृताब्जा लिंगित मणिपुत्रया लक्ष्मी गणेशम कनकाभमिडे। इस मंत्र से आपको लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है और ध्यान कर लेने के बाद श्री गंग सौम्याय गणपतये वर वरदे सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ये मंत्र बहुत ज्यादा चमत्कारी है। इस मंत्र का आपको अपनी सुविधा से कम 108 बार या ज्यादा से ज्यादा जितना आप जाप कर सकते हैं इतना आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र है श्री गंग सौम्याय गणपतये वर वरदे सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद किसी भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उस व्यक्ति का प्रभाव जो है वह आपके ऊपर जो है आपका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। वह व्यक्ति हमेशा आपसे दबा रहेगा और आपको अपने काम में सफलता ही मिलती जाएगी। शास्त्रों के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है या कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस तिथि में या फिर बुधवार के दिन गणेश जी के इन छोटे मंत्रों के साथ साथ छोटे लक्ष्मी मंत्रों का उपाय जो है वह धन कामना को पूरी करने वाला और सिद्धि देने वाला होता है। इन मंत्रों से आपका आपको भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही मैं आपको गणेश और लक्ष्मी के कुछ छोटे मंत्र भी बताता हूँ, उसका भी आप ध्यान रखिए। सबसे पहले गणेश मंत्र, ओम महोदराय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम विनायकाय नमः। इन गणेश मंत्रों से भी आप गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। उस विशेष मंत्र के बाद आपको इन मंत्रों का भी जाप कर लेना चाहिए। और महालक्ष्मी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से यदि आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। उसके बाद ओम दिव्याय नमः का भी आप स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इन मंत्रों से स्मरण के बाद लक्ष्मी और गणेश जी की आरती कर लेनी चाहिए और पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करने के बाद पंचामृत व प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए और प्रसाद आप अपने परिजनों के साथ वितरण करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रसाद पहुंचे ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय गणेश। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी है।